हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज काफ़ी एक हफ्ते के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बीच में मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आप में से कुछ लोग को पता है, शायद कुछ लोग को नहीं पता होगा कि मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त, बहुत ही अजीज़ दोस्त फिरोज़ भाई, जिनका 23 तारीख को इंतकाल हुआ है, तो मेरे बहुत ख़ास थे, मेरे बहुत अजीज़ थे वो, और इनफैक्ट कह सकते हैं कि मुंबई में मेरे पहले दोस्त थे। 23 तारीख को उनको हार्ट अटैक आया है मॉर्निंग में, एंड देन उसके बाद मतलब क्या, मुझे ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करनी है, बस सिर्फ आपसे यही बोलना है कि जितना हो सके कोशिश करिएगा कि उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें। उनके लिए एटलीस्ट एक बार आप नमाज में अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करें उनकी मगफिरत के लिए। इसी वजह से मैंने बीच में मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, जबकि मैंने एक ब्लॉग रेडी करके रखा था। एक्चुअली 22 तारीख को मैं एक सेगमेंट शूट करने गया था फैज़ू के साथ, जो उसका चलता है लॉन्ग ड्राइव विद फैज़ू, तो वो 22 तारीख को मैं शूट करने गया था। और वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था, रूहान के लिए मैं कुछ गिफ्ट्स लेके आया था, कुछ खिलौने लेके आया था, और तो उसका मैंने ब्लॉग बनाया था, लेकिन वो नहीं डाल पाया, तो इसके आगे डाल दूंगा। लेकिन बस यही एक रीज़न था, बीच में एक हफ़्ते मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि दिल ही नहीं किया। और बस आप सबसे फिर से ही गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ कीजिएगा। और राफा में जो हो रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, उनके लिए भी बस हम ज़्यादा पता है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह से हाथ फैला के कि अल्लाह तो इंसाफ करना, बस यही। तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलूँगा नए ब्लॉग में, नया ब्लॉग बनाऊँगा, फ्रेश ब्लॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह, और फिर मिलेंगे। तब तक ये वाला ब्लॉग आप देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है 22। आज मैं थोड़ा घर से बाहर निकला हूँ, अंधेरी आया था, कुछ काम था, और अभी जब यहाँ पे आया हूँ तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि रूहान के लिए गिफ्ट तो बनता है, क्योंकि उसने पहली बार मुझे अब्बा बोला है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैं गिफ्ट लूँ। अब देखता हूँ क्या ले सकता हूँ। अभी एक चीज़ यहाँ पर ली है जो पीछे रखी है, बट मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो मुझे मिलती है कि नहीं मिलती, मैंने पूछा यहाँ पर एक शॉप में, मुझे मतलब वर्सोवा जाना है वहाँ पर, अगर मिलती है तो वो देखते हैं वो मिलती है कि नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो वो उसके लिए लेके चलते हैं। ये उधर लगा था, ये फ्रंट बैग का है, इसमें ये लेफ्ट बैग का है। ओके, ये स्टॉप पर तो ये चीज़ मैं चाह रहा था रूहान के लिए, लेकिन मुझे अंधेरी में नहीं मिली, मुझे बैंड्रा आना पड़ा। मैं बैंड्रा आया हूँ, और फाइनली जो मुझे उसके लिए जैसे इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, और अभी वो बैठने लगा है आराम से, तो क्यों ना उसको बिठा के थोड़ा सा उसको फील दूँ। और यस, बहुत खुश हूँ। आई थिंक पहली बार मैंने रूहान के लिए कुछ शॉपिंग करी है, और मैं दिल से चाह रहा था कि मुझे ऐसे कुछ काम मिल जाए। इत्तेफाक उनके पास एक ही पीस बचा हुआ था, एक और था दूसरा, बट वो पुलिस वाली उसमें था, पुलिस का साइन वगैरह था, मुझे फरारी मिल गई, मस्त वो रेड में मस्त बैठ के घूमेगा। और कुछ खिलौने यहाँ पे और रखे हुए हैं, वो भी लिए हुए हैं, घर पे चल के मैं आप सबको दिखाता हूँ क्या है, इत्मीनान से और दुकान को इसमें लाइट दिलाते हैं। चलो, तो ये मैंने आज वो के लिया है स्पेशली फॉर दीपिका, क्योंकि आज है 22 मई, और आज के दिन से ही उसने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया था, तो 4 साल हो गए। आप सबका इतना प्यार मिला है उसको, इसलिए वो 4 साल की जर्नी पूरी होता है कर पाई है। तो केक नहीं लिया मैंने, क्योंकि अभी हम दोनों राइड पे हैं, तो मीठा वीठा सब थोड़ा सा अवॉइड अभी है, केक वगैरह सारी चीज़ें, तो वो ये तो हम उसको दे ही सकते हैं, उसको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं कि 4 साल दीपिका की दुनिया के हो गए। ये लो, ये आपके लिए, ये आपके लिए 4 साल हो गए आज दीपिका की दुनिया। 22 मई से व्लॉगिंग शुरू करी थी। रूहान, आपके लिए भी कुछ आया है, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। आज जाओ, आपके लिए देखो क्या आया है, ये फरारी। रूहान, क्या है
वैसी आवाज आ रही है पूरी। ठीक है, अभी ऑपरेट तो हमें करना है, बस ये दिखा रिमोट को। रुहान मजा आ रहा है? रुहान ताली दो। क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है। मजा Wheels on a car go round and round. ये घूम कितना, ये भी घूम रहा है। बूम की कार आई है। बैठते ही एटीट्यूड आ गया जल्दी। और भी चीज लाए। अरे वाह, ये इसकी मैजिक स्लेट है। यस, ये हमें चाहिए थी ना। देखो पापा क्या लाए। ये देखो, अच्छा पूरा वो ड्रम सेट है विद पियानो। आपने रोक दी गाड़ी घुमाना शोएब। हाँ, एक सेकंड रुकान गया इसका। कितनी अच्छी है। रुहान अभी आए? रुहान आज भैया किस में आने लगे? देखो चलो, अब देखो इसको हम घुमाएं। चलो इसको हम घूमी करेंगे, घूमी करेंगे। रुहान का ओपन कार तो आ गई। अम्मा ये देखो, देखो आंटी। कौन है ये? ओ दिस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ये लो करो, करो इसको। भाई ट्रेन बहुत पसंद है इसको। हाँ कल रात को तो बहुत खेला, कितना खेला है, कितना चीखा है, खुशी से मैंने वीडियो निकाल के। ये क्या है? आज बहुत पसंद है। क्या है? सारे फ्रूट्स आ गए। एप्पल
महान तुम जो उसको चढ़ाती हो ये लोग ओले और भी देखिए चीज और देखो ये देखो वो भी है बबल बबल हाँ वो ये तो सेम है पैसे नहीं माना वहां से मांग हाँ ऐसे यहाँ पे ये देखो रोहन ये लो मारो इसे चलो मारो ऐसे देखा पकड़ 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 ये देखा ये क्या लगाया तुमने इधर करो ये क्या लगाया तुमने काला मुझे नहीं पता ना तुमने काजल लगाया है ना नहीं काला नहीं ये मैं किचन में थी अभी क्या लेके आई है भाभी के लिए केक और फ्लावर्स किस अच्छा वो 4 साल हुए ओहो हाँ स्वीट तुम्हें याद है हाँ याद है तुम्हारे लिए केक और फ्लावर्स लाया ओले 4 साल दिव्या की दुनिया सो स्वीट तू लेके आया हाँ यो ये अब रुलाएगा थैंक यू बड़ा हो गया रोहन ए रोहन अम्मी को 4 साल हो गए व्लॉगिंग करते करते हाँ 4 साल ये लो चलो अम्मी केक कट करें पकड़ो पकड़ो डर रहे हो क्या थैंक यू ऑन रेडी कंग्रेचुलेशंस 4 साल कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा प्यार मेरा सबसे काफी हेट भी मिली बट ठीक है वो तो चलता है प्रोज एंड कॉन्स हैं क्यों प्रोज एंड कॉन्स हैं बट जो प्यार मिला है पढ़ना भारी है यस सब चलेगा बट कोई नहीं जो भी लोग कहते हैं आपको कि अच्छा बुरा कि कैसी हो क्या हो ये हो वो हो आई थिंक वो उनका परसेप्शन है उनका सोच है बट तुम क्या हो हम सब के लिए वो हम जानते हैं और तुम क्या हो आपके चाहने वालों के लिए वो भी जानते हैं एंड तुम मतलब जेन्युइनली यू नो आज मैं कभी ऐसा ज़्यादा बोलता नहीं हूँ बट सीरियसली एक अच्छा नेक दिल इंसान एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन एक कमाल एक्ट्रेस जो अभी कुछ वक्त के लिए रेस्ट पे है इंशाल्लाह फिर आएगी और एक ऐसी बहुत ही यू नो अच्छी माँ जिसने रूहान को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा है हैट्स ऑफ दीपिका हैट्स ऑफ जिसको जो बोलना है बोलने दो जिसको जो समझना है समझने दो जो बिना किसी को जज करे हुए सारी चीजें करता है वो समझेगा अदरवाइज बोलने को तो आजकल लोग कुछ भी बोलते हैं किसी को नहीं छोड़ते है कि नहीं है ना और जैसी कहावत है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन एंड दैट गोज विद मी दैट बिहाइंड माय सक्सेस इज योर सपोर्ट दैट इज that goes without saying. Yes, और हम सबकी सक्सेस के पीछे आप सब हैं आप सब जो हमें इतना प्यार करते हैं जो हमें इतना लाड़ करते हैं एक फैमिली की तरह समझते हैं कि कितना प्यार दिया है आप लोगों ने और आई थिंक यही एक वजह है रीज़न है कि आज हम लोग सब यहाँ तक पहुँचे हमारी इतनी अच्छी फैमिली हुई है 4 साल हो गए हैं दीपिका को अपने YouTube चैनल खोले हुए 22 मई 2020 याद है हुआ था 4 साल हो गए दीपिका को YouTube चैनल खोले हुए एंड आज यहाँ तक इतनी अच्छी फैमिली हो गई है हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत बढ़ गई है ग्रो कर रही है ये भी आ गया है मुझे डेट्स याद रहती है तो मुझे कल शो ने याद दिलाया था बिकॉज यू नो रेहान बड़ा हो गया है बहुत समझदार हो गया है बट हमारे लिए वो छोटा ही है छोटा सा ही है जब आई रिमेम्बर लॉकडाउन था तो इसके लिए केक बनाया था यहाँ पे तो भी तक छोटू सा था और अभी देखो इतने दो तीन सालों में इतना बड़ा हो गया सो थैंक यू तो तुम ही गए तुम ही लेके आए वेरी स्वीट वेरी वेरी स्वीट मेरे लिए रेहान इतनी मेहनत करके केक लेके आया तो इसका तो मैं एक छोटा सा बाइट छोटा सा चलो अभी तुम खाना खा लो ठीक है तुम खाओगे केक
रोहन केक खाओगे? अभी नहीं बेटा। तू भी ऑफ स्वीट है क्या? है? ये छुपा रुस्तम डाइट वाला है, इसीलिए तो फिट हो गया है। चुप कर।